मैं पुष्पांजलि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि घर में अमचूर कैसे बनाएं आम का पाउडर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 आम लिए हुए हैं, कच्चे आम है, कैरी है ये। तो हमें क्या करना है, इनका हम छिलका उतार देंगे और उसके बाद हम इसके पतले पतले पीसेस काटेंगे और उन्हें हम 1 हफ्ते के लिए धूप पर सूखवाएंगे। और सूखने के बाद वो इस तरह से दिखेगा। और ये देखिए मैं तोड़ के बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसानी से टूट जाएगा सूखने के बाद, अच्छी तरह से जब ये सूखेगा। इसको हमारे यहाँ पे हम करिया बोलते हैं या फिर आम का सूखा हुआ टुकड़ा भी आप बोल सकते हैं। इसकी चटनी भी बनती है। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको हम कूटेंगे। तो मैंने यहाँ पे खरबट्टा लिया है, तो इसमें हम अमकरिया को डाल देंगे। और अब इसे हम कूटना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें कूटने से पहले जो खलबट्टा है उसके नीचे आप एक मोटा कपड़ा जरूर रख लें। और आप इसको जितना भी महीन कूट सकते हैं आप कूट लें। इस तरह से देखा हमने कूट लिया इसे। अब हमें क्या करना है, अब इसे मैं पीसूंगी। तो इसको मैंने देखिए इस तरह से मैंने कूटा इसे। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और अब इसे हम पीसेंगे। ये हमने पीस लिया है, ये देखिए हमने इसको इतना महीन पीसा है। ये देखिए हमने उसका पाउडर कर लिया इस तरह से। और अब हम एक चलनी लेंगे, इसमें हम इसको चालेंगे। चालने के बाद जो भी बड़े पीसेस हैं वो ऊपर रह जाएंगे चलनी पर ही, और जो पाउडर है वो नीचे चला जाएगा जो कि अमचूर पाउडर कहलाएगा। ये देखिए अमचूर पाउडर बन गया है। इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से चाल लेंगे, जितना भी पाउडर है वो नीचे चला जाए। और फिर हमें क्या करना है, जितने बड़े पीसेस बचे हुए हैं ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम इसे दोबारा से पीस लेंगे तो ये यूज में ही आ जाएंगे। और अगर आपके फिर भी बचते हैं तो आप उनमें पानी में गला करके 2 घंटे के लिए रख दें और फिर आप उसकी चटनी बना करके खा सकते हैं। और ये देखिए पाउडर हमारा रेडी है, अमचूर पाउडर। और जो बचे हुए बड़े पीस हैं हम उनको फिर से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।